गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वसीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WHA। गाइस मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश एजुकेशन WHA। गाइस इन टुडेज क्लास वी विल गो वॉइस, इन वॉइस वी विल गो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। इन एक्टिव सब्जेक्ट शैल विल हैव इजीली प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम हुआ होगा या किया होगा। इन पैसिव ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन प्लस बी3 प्लस बीए बाय एंड, कोई काम किया गया होगा या किया जा चुका होगा। फ्यूचर के सर्टेन टाइम में आप कोई काम कर चुके होंगे या किए होंगे या एक्टिव, और वैसी काम को किया गया होगा या किया जा चुका होगा दैट इज पैसिव। एग्जांपल क्लियर करेगा, विल हैव फिनिश दिस वर्क टिल मंडे, मंडे तक हम लोग इस काम को पूरा कर चुके होंगे। यहाँ विल लिखा हुआ मतलब विल शैल। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, दिस वर्क, तो दिस वर्क के आधार पे क्या हो गया, विल हैव बीन, तो हमारा पैसिव यही हो रहा है, विल हैव फिनिश्ड तो विल हैव बीन फिनिश्ड। सबसे आसान पैसिव परफेक्ट का होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वी थ्री है, तो वी डोंट नीड टू गो फॉर वी थ्री, खाली बीन लगा देना है। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस टिल मंडे, ये काम हम लोग के द्वारा खत्म हो चुका होगा मंडे तक। आई शांट हैव कम्प्लीटेड असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट पूरा नहीं कर चुका हूंगा, इसका मतलब एक टाइम तक हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ होगा। निगेटिव आई के साथ शांट लगाएंगे, यहाँ असाइनमेंट के साथ क्या लगाएंगे, वॉन्ट लगाएंगे। द असाइनमेंट वॉन्ट, अभी शांट भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर टू राइट वॉन्ट। तो द असाइनमेंट वॉन्ट हैव बीन कम्प्लीटेड बाय मी, शैल वी हैव डन दिस वर्क, क्या हम लोग इस काम को कर चुके होंगे। यहाँ वी के साथ क्या आया, शैल, हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, दिस वर्क, इसीलिए क्या आ जाएगा, विल, विल दिस वर्क। शैल भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कि हो रहा है, विल दिस वर्क हैव बीन डन बाय अस, क्या ये काम हम लोग के द्वारा किया गया होगा। शांट आई हैव इन्फॉर्म्ड देम, क्या हमने उन लोग को इन्फॉर्म नहीं किया होगा। वॉन्ट दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, क्या उनको इन्फॉर्म नहीं किया होगा मेरे द्वारा। हाउ शैल वी हैव डन इट, हमने इसको कैसे किया होगा। हाउ विल इट हैव बीन डन बाय अस, ये हम लोग द्वारा कैसे किया गया होगा। गाइस पैसे में कुछ नहीं करना है, खाली बीन लगा देना है, बाकी हैव तो है ऑलरेडी, शैल विल का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो बाय एजेंट, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बोल रहा है शी विल हैव रिटन दिस लेटर, वो इस पत्र को लिखी होगी, शी के साथ विल हैव, तो हमारे यही देखिए विल हैव रिटन है, खाली तो विल हैव के साथ कम रहेगा, बीन खाली हो जाएगा, विल हैव बीन रिटन, यही हमारा मेन पैसिव हो रहा है। बाकी यहाँ सब्जेक्ट है शी, यहाँ बाय एजेंट हो गया, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, यहाँ पे आपको पहले आके सब्जेक्ट हो गया। आगे बोल रहा ही वॉन्ट हैव हेल्प देम, उन्होंने उसको हेल्प नहीं किया होगा, ही के साथ वॉन्ट लगा, ऑब्जेक्ट हमारा देम हो गया, दे के साथ भी वॉन्ट हैव बीन, दे वॉन्ट हैव बीन हेल्प बाय ही, वो लोग को मदद उसके द्वारा नहीं किया गया होगा। विल दे हैव बॉट ए कार ऑन धनतेरस, क्या लोग धनतेरस पे कार खरीद चुके होंगे, तो विल के साथ दे हैव लगा रहे हैं, अब हमारा एक कार हो गया, विल ए कार हैव बीन बॉट ऑन धनतेरस बाय देम। वॉन्ट यू हैव बीटन है, क्या तुमने उसको नहीं पीटा होगा, वॉन्ट सी हैव बीन बीटन बाय यू, क्या उसको नहीं पीटा दिया होगा तुम्हारे द्वारा। वेयर विल सी हैव डन इट, उसने इसको कहा किया होगा, वेयर विल इट हैव बीन डन बाय हर, ये उसके द्वारा कहा किया गया होगा। हु हैव रिटन इट, हु का जब भी बनाते हैं तो बाय हु होता है, बाय हु विल इट हैव बीन रिटन या हु विल इट हैव बीन रिटन बाय, यहाँ पे बाय का यूज करेंगे लास्ट में, हु से बनाते हैं तो या बाय। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ये बड़ा आसान था, सिर्फ पैसिव में बीन लगा देना है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट बाय एजेंट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, ये आप जान ही रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट, इफ यू अंडरस्टूड इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WHA। दैट्स इट, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।